नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत पाकिस्तान मैच में अर्शदीप के हाथ से कैच छूट जाने को लेकर ट्रोलर्स ने उन्हें अपने निशाने पर ले लिया और सोशल मीडिया पर उन पर भद्दी टिप्पणियां की, जिसके बाद बॉलीवुड के कई सितारे सोशल मीडिया पर अर्शदीप के सपोर्ट में उतर आए हैं। राजनीति मुद्दे से लेकर बॉलीवुड बायकॉट जैसे हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखने वाली अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर अर्शदीप के सपोर्ट में पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, हम आपसे प्यार करते हैं और हमें आप पर गर्व है। अर्शदीप, मजबूत बने रहो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली पहुंचते ही मीडिया वालों ने नीतीश से पूछा कि क्या वो 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष के पीएम उम्मीदवार बनेंगे, जिस पर नीतीश कुमार ने कहा, मैंने शुरू से कहा कि अधिक से अधिक विपक्षी दल अगर एकजुट हो जाएंगे तो यह एक बहुत अच्छा माहौल होगा। यह सब लोगों की इच्छा पर है। अन्य पार्टियों से बातचीत होगी तो सब कुछ सामने आएगा। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि अधिक से अधिक विपक्षी पार्टियां साथ आ जाए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मंगलवार को अपने 4 दिनों के भारत दौरे की शुरुआत करते हुए कहा कि दोस्ती के जरिए हर समस्या का समाधान हो सकता है। राष्ट्रपति भवन में हसीना ने पत्रकारों से कहा कि मोदी के साथ उनकी बातचीत अपने अपने देशों में लोगों की स्थिति में सुधार, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास पर केंद्रित होगी। हसीना ने कहा, हमारा मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था का विकास करना और अपने लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है। दोस्ती के जरिए आप किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अगले लोकसभा चुनावों के लिए भले ही 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है, लेकिन बिखरे विपक्ष को एकजुट करने की तैयारियां अभी से जारी है। कांग्रेस, टीएमसी और अन्य दलों के प्रयासों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश में लगे हैं। सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद मंगलवार को नीतीश कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और जनता दल यूनाइटेड नेता संजय झा भी मौजूद थे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस सप्ताह 2+2 संवाद में भाग लेने के लिए जापान जाएंगे, जहां वह अपने जापानी समकक्षों के साथ वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर 7 सितंबर से 10 सितंबर तक द्विवित्तीय भारत जापान 2+2 मंत्रालयी बैठक में आधिकारिक तौर पर शामिल होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने मंगलवार को अमेरिकी कंपनी सेंसहॉक में 69.4% हिस्सेदारी को खरीदेगी। यह पूरी डील $32 मिलियन में होगी। बता दें कि सेंसहॉक की स्थापना 2018 में हुई थी। कंपनी सोलर इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट टूल्स बनाती है। बता दें, सेंसेक्स में रिलायंस के शेयर मंगलवार दोपहर को 0.53% की तेजी के साथ ट्रेंड कर रहे थे। सबसे बड़े अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मेस में जो खाना मिलता है उसकी क्वालिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। FSSAI की आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया है कि चिकन करी, पनीर और चटनी के सैंपल टेस्टिंग में फेल रहे। FSSAI की जांच के कुछ दिनों बाद एम्स हॉस्टल्स के मेस को शिकायतों के आधार पर बंद कर दिया गया था। आपको बता दें कि कैंटीन में खाने में कीड़े मिलने की शिकायत की गई थी। दिल्ली के फोर्टिस स्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के डॉक्टर ए सेठ ने बताया है कि जिनमें कोरोना के हल्के लक्षण थे उनमें भी हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ी हैं। डॉक्टर सेठ ने बताया, यह सच है कि जिन्हें सीवियर कोविड हुआ था 1 साल बाद उनमें काफी साइड इफेक्ट्स आए हैं, लेकिन जिन लोगों में हल्के लक्षण थे उनमें भी हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ी हैं। हम सभी कोविड के पेशेंट से अपील करते हैं कि किसी भी लक्षण को इग्नोर ना करें और अपना चेकअप करवाते रहें। IPL फाउंडर ललित मोदी ने सुष्मिता संग अपने रिश्ते के इजहार के साथ ही अपने बायो में एक्ट्रेस का नाम और उनके साथ अपनी DP लगाई थी, लेकिन अब ललित मोदी ने बायो से अदाकारा का नाम हटा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने उनके साथ वाली डिस्प्ले पिक्चर भी बदल दी है। इसे देखकर दोनों के ब्रेकअप की बातें सामने आने लगी है। कैसीनो, ऑनलाइन गेम और घुड़दौड़ पर GST लगाने पर फैसला इसी हफ्ते आ सकता है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जून में हुई GST काउंसिल की बैठक में कैसीनो, ऑनलाइन गेम, घुड़दौड़ और लॉटरी पर 28% GST लगाने के फैसले को टोल दिया था। कुछ राज्यों की आपत्ति के बाद मंत्रियों के समूह को एक बार फिर से इस पर विचार करने को कहा गया है। शेयर बाजार में घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी भी लगातार बढ़ती जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि देश में पहली बार डीमैट खातों की संख्या 10 करोड़ के पार पहुंच गई है। सनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने 22 लाख से अधिक नए खाते खोले गए थे। देश में COVID-19 के प्रकोप से ठीक पहले मार्च 2020 में भारत का डीमैट अकाउंट टैली 4.09 करोड़ था। 2.5 साल में लगभग 6 करोड़ लोगों ने डीमैट अकाउंट खुलवाए।
भारत के स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अगस्त महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामित किया गया है। जेमिमा रोड्रिग्स ने भारत को बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। वह 5 मैच में 146 रन बनाकर टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में 5वें स्थान पर थी। उन्होंने बारबाडोस के खिलाफ महत्वपूर्ण मुकाबले में भारत की ओर से 46 गेंद में नाबाद 56 रन बनाए थे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक भर्ती अधिसूचना जारी की गई है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 400 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके तहत ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 64 पद, ट्रेड अप्रेंटिस के 172 पद और टेक्सनियर अप्रेंटिस के 174 पद भर्ती होनी है। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट stel.ucanapply.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि 30 सितंबर 2022 तक चलेगी। भारी बारिश और बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक स्थल पर भी भारी असर पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐतिहासिक खंडर के कई इलाके सीवरेज नाले बाढ़ के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सिंधु नदी पर बने ज्यादातर बांध अपनी क्षमता से ज्यादा भरे हुए हैं और उनके ऊपर से पानी बहकर आ रहा है। मोहनजोदड़ो में आई बाढ़ से गलियों का हिस्सा एक बार फिर मिट्टी से पट गया, कई दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। बीजेपी ने एक स्टिंग वीडियो जारी किया था, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आप सरकार भ्रष्टाचार में शामिल है। इसी के साथ स्टिंग वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए सिसोदिया ने कहा, भाजपा लंबे समय से चिल्ला रही है कि घोटाला हुआ है। सीबीआई ने दोनों कंपनियों के बीच लेनदेन की पड़ताल की, लेकिन कुछ भी गलत नहीं मिला। उन्होंने सड़क पर कार में बैठकर वीडियो बनाया, यह किस तरह का स्टिंग ऑपरेशन है? मेरे पास भी ऐसे कई वीडियो हैं। रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज में देश के दिग्गज क्रिकेटर्स शामिल होंगे, जहां इन क्रिकेटरों में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफे और ब्रेट ली जैसे नाम शामिल हैं। इंदौर के होलकर स्टेडियम में होने वाले रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज सीजन 2 के सभी मुकाबलों के लिए शहर तैयार नजर आ रहे हैं, जहाँ इन मुकाबलों के लिए MPCA और आयोजकों के बीच आधिकारिक अनुबंध हुआ है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में चल रही मंदी के बीच ओपेक प्लस देशों ने सोमवार को तेल प्रोडक्शन में कटौती करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस के इस फैसले में रूस भी शामिल है, जिसने तेल प्रोडक्शन कम करने की हामी भरी है। ओपेक प्लस ने तेल प्रोडक्शन कम करने का ऐलान करते हुए कहा कि ये फैसला करने में उन्हें ना खुशी हो रही है, लेकिन वैश्विक आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए ये फैसला लिया गया है और इस फैसले से तेल की कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी। नवोदय विद्यालय समिति ने एकेडमिक सेशन 2023 से 24 में कक्षा 9वीं में एडमिशन के लिए प्रॉस्पेक्टस जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही आवेदन के लिए एप्लीकेशन लिंक भी खोल दिया गया है। इच्छुक कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट navodaya.government.in से अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन के लिए टेस्ट का आयोजन 11 फरवरी 2023 के दिन किया जाएगा। वहीं एडमिशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2022 है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु समेत कर्नाटक के कई शहरों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात है। घर और दुकानों से लेकर दफ्तर तक पानी में लबालब है। सड़कें जलमग्न होने की वजह से लोगों को घरों से ऑफिस के लिए निकलना भी मुश्किल हो रहा है। बारिश और बाढ़ की वजह से कई IT कंपनियों का कामकाज भी प्रभावित हुआ है। सड़क पर बने डिवाइडर भी पानी में डूब गए हैं। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे RCP सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। RCP सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार जनता दरबार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिहार में 17 सालों में आज तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जिससे गांव में और थानों में हो रही समस्या का समाधान हो सके। उन्होंने नीतीश कुमार से जनता दरबार का खर्च पूछा। RCP सिंह ने कहा कि अब वे व्हाइट पेपर निकाले और बताएगी जब से जनता दरबार लग रहा है तब से आज तक कितना खर्च हुआ है। फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा का कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो का नया सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है। इस पर कई नए चेहरे दिखाई देंगे, जो ऑडियंस को हंसने पर मजबूर करेंगे। अब इस शो में एक और नया सदस्य जुड़ने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ सागर की, जो स्टैंड अप कॉमेडियन है। हाल ही में वह केस तो बनता है कॉमेडी शो में नजर आए थे, जल्द ही वह कपिल के शो में भी धमाल मचाने वाले हैं। हिमालय प्रदेश के हमीरपुर सर्किट हाउस में केंद्रीय सूचना प्रसारण खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों की समस्याएं सुनी और कुछ देर तक कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की हर राज्य में सफाई होना शुरू हो गई है। अब राहुल गांधी को अपना अस्तित्व बचाने के लिए विदेशों में समय ज्यादा बिताते हैं। वहीं PM मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और दुनिया की पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत शामिल है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से पहले गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। शशि थरूर ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा समेत पार्टी के कई अहम बिंदुओं पर खुलकर बात की है। शशि थरूर ने
कहा कि इस यात्रा से पार्टी भारत जोड़ो और कांग्रेस जोड़ो दोनों को ही हासिल कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा देश भर के कांग्रेसी और महिलाओं को पार्टी के मूल्यों और आदर्शों के साथ साथ लोगों की सेवा के लिए एकजुट कर सकती है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने संबंधित विभाग से कानूनी राय लेने के बाद धन शोधन रोकथाम का मामला दर्ज किया। ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज किया एफआईआर पर आधारित है। यह आरोप लगाया गया है कि ट्रांजैक्शन फंड को कई तरीकों से और कई संस्थाओं का उपयोग करके वैध दिखाया गया है। ईडी आने वाले दिनों में सीबीआई की एफआईआर में शामिल सभी आरोपियों को जांच में शामिल होने और पीएमएल की धारा 50 के तहत उनके बयान दर्ज कराने के लिए तलब कर सकती है। भारत की हार पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने बयान देते हुए कहा कि अफगानिस्तान के खिलाड़ियों से कुछ सीखो। आकाश चोपड़ा का कहना है कि सीख कहीं से भी मिल ले लेनी चाहिए। उन्होंने अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज का उदाहरण देते हुए कहा, गुरबाज इस समय गजब की फॉर्म में चल रहे हैं। वो बड़े शॉट्स लगाने के साथ लंबी पारियां भी खेल रहे हैं। देश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को भारत को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए स्पष्ट किया कि भारत अमेरिकी संबंध से अनेक प्रतिस्पर्धा लाभ मिल सकती है। हमारी आपूर्ति श्रृंखला का जुझारूपन अमेरिका को भारत ने जिस प्रकार की प्रतिभाएं दी हैं और अमेरिका ने भारत को जो निवेश दिए हैं, ये सब कारोबार की दृष्टि से बहुत अच्छा है। 6 सितंबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की। उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ 14,500 स्कूलों का आधुनिकीकरण करना समुद्र में पानी की एक बूंद की तरह है। इस हिसाब से देश के सभी 10.5 लाख स्कूलों को सुधारने में 70 से 80 साल लगेंगे। मैं प्रधानमंत्री से देश भर के 10.5 लाख स्कूलों को आधुनिक बनाने की अपील करता हूँ। भारत बायोटेक ने BBV154 इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन का फेज 3 का ट्रायल पूरा कर लिया है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड का कहना है कि यह वैक्सीन सुरक्षित और इम्यूनोजेनिक साबित हुई है। बता दें कि इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। यह भारत की पहली नेजल वैक्सीन होगी। इससे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में और ज्यादा मजबूती मिलेगी। क्रिकेटर सुरेश रैना के क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, प्रिय सुरेश रैना, भले ही आज आपने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी आप में बहुत क्रिकेट बाकी है। अपने अद्भुत खेल कौशल से आपने भारतीय क्रिकेट को नव क्षितिज पर पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश को आप पर गर्व है। भारत और बांग्लादेश के बीच मंगलवार को कुशियारा नदी के जल बंटवारे सहित 7 करारों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत बांग्लादेश ने रेलवे कनेक्टिविटी और आईटी प्रौद्योगिकी में सहयोग, कुशियारा नदी जल बंटवारा, न्यायिक सेवाओं में क्षमता निर्माण सहयोग, वैज्ञानिक और अनुसंधान सहयोग, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग और प्रसार भारती तथा बांग्लादेश टेलीविजन के बीच सहयोग से जुड़े 7 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद अतुल्ला, नुनु कुमार, सर्वनेश्वर कुमार, रविशंकर, राजकुमार कुशवाहा, आकाश पटेल, अर्जुन राम, जवाहर सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार सभी विपक्षी दलों को एक साथ जोड़ने में सफल हो पाएंगे? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।